एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और हम भी आपकी दुआओं से ठीक है। और गाइस, आज मैं जा रही हूँ फिर से बाजार, लेकिन मैं बाजार में वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि आप लोग बोर हो जाते हो। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो कमेंट्स में बताना। और ये देखिए, हम लोगों ने लाइट लगाई है अभी शीशे के ऊपर, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। देखिए जी, हनी ने खूबसूरत सी लाइट लगा दी, अब तो शीशे में मैं भी नजर आ रही हूँ, हनी भी नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए, हमारी कैंडल वाली अभी बंद हो गई है, वो भी जलाएंगे, अभी उतारी हुई है। तो ये देखिए, शीशे पे हम लोग हर साल लगाते हैं, अब पिछले साल भी हम लोगों ने उतार दी थी लेकिन इस साल अभी लगी रहेगी। तो मैंने कहा चलें भी इस मंथ मैंने ना, ओहो, इस हफ्ते मैंने कैंडल जलानी है। ये मैंने कहा मैंने कैंडल जलानी है और लाइट लगनी चाहिए, और हनी ने लाइट लगा दी। और वैसे भी आपको पता है ना, वीडियोस बनाओ और लाइट ज़्यादा हो तो फिर ज़्यादा अच्छी बनती है। तो अब मैं कैंडल जलाऊंगी, इसीलिए मैंने लाइट लगवा लिया। मुझे बड़ी पसंद है मेरी शीशे पे ऐसे लगी हो तो मुझे अच्छी लगती है। तो चले फिर, अब मैं जा रही हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं घर में आके, अगर हो सका तो आपको वीडियो दिखाऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मुझे एक चीज़ जो अभी नहीं मिल रही वो मैं ढूँढने जा रही हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ रोज़ मैंने आपको पहले भी बताया, मैं रोज़ कहीं ना कहीं जाती हूँ, ठीक है, शाम के टाइम। तो अभी हनी नीचे जा चुके हैं और मैं जा रही हूँ नीचे, वरना उन्होंने कहना है मैंने वापस आ जाना, उन्होंने लेट जाना है, ठीक है। तो टाइम ज़्यादा हो जाना है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ अभी, तो बाद में मिलते हैं। तो ये देखिए, जिस ताइश के लिए भी पसंद कर रही हूँ, लेकिन मुझे तो खैर पसंद नहीं आया, लेकिन उसे दिखा दूँगी, उसे पसंद आएगा जो सा वो कहेगी तो ले देंगे। तो कह रही थी मुझे ना ये पर्स भी ले के दें। और ये देखिए कितनी प्यारे लगे हुए हैं, बस इतने भी नहीं खास, बस ठीक है जी। तो हम लोग घर आ गए हैं और घर आके दो जलेबियाँ खाने लगे थे, और मैं दिखाती हूँ आपको। हनी और मैं दूध में खाते हैं, बच्चे वैसे जलेबी खाते हैं, वो दूध नहीं पीते, हम गर्म है दूध, तो इसीलिए ये वैसे खा रहे हैं, ये नहीं खा रहे। और ये रही मेरी जलेबी और ये रहा मेरा दूध। तो अभी मैंने कहा थोड़ा सा ठंडा हो ले फिर खाती हूँ, अभी हनी तो गर्म गर्म ही खा लेता, मुझसे नहीं खाया जाता, थोड़ा सा ठंडा हो ना फिर खाते हैं। तो आज का व्लॉग हमारा छोटा सा था, तो अब हमें दीजिए इजाज़त। तो देखिए, मैं वो उनका व्लॉग देख रही थी, है ना, आम्बर उज़्मा व्लॉग है ना, आम्बर उज़्मा व्लॉग, हाँ आम्बर उज़्मा व्लॉग है, तो उनका व्लॉग देख रही थी। तो वो बाजी उज़्मा बाजी बोल के कह रही थी कि हम मैं ऐसे शॉल लेती हूँ, तो मैं हम लोग भी घर में भी ऐसे ही लेके रखते हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम है आपको पता है, तो इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। तो देखिए, मैं भी आपकी तरह बाजी बनी हुई हूँ, आप मेरा अगर व्लॉग देख रही हैं तो आ जाए उज़्मा बाजी, दो जलेबियाँ खानी है तो ठीक है। तो चले फिर मिलेंगे बाद में, खुदा हाफिज़। सॉरी हनी, मुझे कह रहे थे आपने तो अपने व्यूवर्स को सुलह भी नहीं मारी, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिसने खाने हैं वो आ जाए, तो जो नहीं आ सकते वो प्लीज़ बाइट से लेके खा ले, क्योंकि हमारा घर दूर है, जिसको नज़दीक है वो आ सकता है, ठीक है। तो अभी आप लोग भी कमेंट्स में बताना कि आप लोगों को दूध जलेबी अच्छी लगती है कि नहीं, हमें तो बड़ी अच्छी लगती है, और आपको हमारी हालत से पता चलता होगा कि दूध जलेबियों में कितनी ताकत है, कि इतने इतने बड़े मुँह हो गए हमारे। और हनी देखे कितने मजे के साथ खा रहे हैं, है? नहीं आपको मजा आ रहा है ना? हनी आप नहीं सुला मारते, मुझे कह रहे थे मैं खिला ही नहीं सकता कैमरे में से, कैसे खिलाऊंगा। तो चले कोई बात नहीं, किसी को सुला मारने नहीं चाहिए ना, तो खानी है तो आ जाना, वर नहीं खानी तो आपकी मर्जी है, लेकिन आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि किस किस को दूध जलेबियाँ पसंद है और कौन कौन खाता है शौक से। हम लोग रोज़ाना खाते हैं शौक से, और ये देखिए दूध जलेबियों का शायद ही ये नतीजा है कि गर्म होता है ना, उसकी वजह से मुझे पिंपल हो गए हैं। तो चले कोई बात नहीं, सर्दियों का दिन है तो फिर खाना भी ज़रूरी है। तो चले फिर ठीक है, अब मैं करूंगी अल्लाह हाफिज़। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे टॉपिक के साथ, खुदा हाफिज़।